हेलो गाइस, तो आज मैं आप सबको बताने वाला हूं पाकिस्तान सुपर लीग में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 5 ऐसे नए गेंदबाज मिले जो कि आने वाले अपने समय में काफ़ी शानदार गेंदबाजी करके अपना नाम रोशन करेंगे और पाकिस्तान टीम का भी साथ में नाम रोशन करेंगे। और वो ऐसे तेज गेंदबाज जो कि काफ़ी नाम कमाने वाले हैं, जैसे कि शाहिन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ जैसा गेंदबाज पाकिस्तान को आने वाले समय में और भी इससे बेहतरीन गेंदबाज मिल सकते हैं और ये 5 गेंदबाजों में से हो सकते हैं। तो गाइस, आज मैं इसी 5 गेंदबाज के बारे में आपको बताने वाला हूं कि किस तरह का शानदार प्रदर्शन किया इस साल PSL में, जिसकी वजह से कुछ प्लेयर को तो अभी टीम में जगह भी मिल गया और कुछ प्लेयर को बहुत ही जल्द जगह मिलेगा टीम में, क्योंकि जितना अच्छा ये प्रदर्शन करेंगे उतना ही जल्दी ये टीम में चुनाएंगे, क्योंकि काफ़ी टैलेंटेड और काफ़ी शानदार गेंदबाजी करते हैं। गैस, तो आप भी अगर इसका गेंदबाजी देखेंगे तो आप भी इनका फ़ैन हो जाएंगे। जिस तरह के इसके पास 140 प्लस का स्पीड है और ये जिस तरह से बॉलिंग करते हैं एकदम बहुत ही अच्छे बॉलर लगते हैं। गैस, तो इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आता है अब्बास अफरीदी, जो कि इस साल के PSL के सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर रहे हैं। अब्बास अफरीदी जो कि 11 मैच के 11 इनिंग्स में 39 ओवर डालकर 372 रन दिए और इसी के साथ 23 विकेट अपने नाम किए और बेस्ट 47 रन देकर 5 विकेट अपने नाम किए हैं। अब्बास अफरीदी मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेलते हैं। गाइस, इसी लिस्ट में दूसरे नंबर पे एहसानुल्ला जो कि मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेलते हैं, ये भी 12 मैच खेले हैं और 12 मैच के 12 इनिंग में 45 ओवर डाले और 347 रन दिए हैं और 22 विकेट लिए हैं और बेस्ट इनका रहा है 12 रन देकर के 5 विकेट, जो कि काफ़ी अच्छे बॉलिंग है बॉलर है और ये बॉलर ऐसा कि ये पाकिस्तान टीम को बहुत ही जल्द शामिल कर लेंगे इसको और बहुत ये नाम कमाने वाले हैं। गैस, इसी लिस्ट में तीसरे नंबर पर जमान खान जो कि 13 मैच खेले, 13 इनिंग में 35 ओवर डाले, 354 रन दिए हैं और 15 विकेट अपने नाम किए हैं। बेस्ट बॉलिंग रहा है 17 रन दे करके 2 विकेट। गैस, साथ में यह भी बता दूं कि इन्होंने 13 रन डिपेंड कर लिया, वो भी टीम डेविड बैटिंग कर रहे थे उस समय, ये फाइनल में 13 रन को डिपेंड करना और 1 रन से जिता देना लाहौर कलंदर्स के लिए बहुत बड़ी बात है इनके लिए। गाइस, चौथे नंबर पे आते हैं आमिर जमाल, जो कि काफ़ी अच्छे बॉलर है, काफ़ी यंग क्रिकेटर है, तो ये अभी आने में समय लगेगा लेकिन आने वाले समय ये काफ़ी मैच्योर होंगे और काफ़ी अच्छे बॉलिंग करेंगे। ये अभी तक 6 मैच खेले हैं, 6 मैच के 6 इनिंग में 21 ओवर डाले हैं, 233 रन दिए हैं और 9 विकेट अपने नाम किए हैं और 43 रन देकर के 3 विकेट का बेस्ट बॉलिंग इनिंग रहा है। गाइस, इसी लिस्ट में 5वें नंबर पे आते हैं आकिफ जावेद, जो कि ये भी बहुत कम मैच खेले, ये 5 मैच खेले, 5 इनिंग में 12 ओवर डाल करके 135 रन दिए और 8 विकेट अपने नाम किए और 8 रन देकर के 2 विकेट, तो बेस्ट बॉलिंग रहा है। गाइस, तो आपको यह इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी गलती हुई आप मुझे बताएं कमेंट करके और सजेस्ट करें।